हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल चाल है। आज बहुत दिन के बाद किचन में आई हूँ और फटाफट वाली एक सब्जी बनाने लगी हूँ। और यहाँ पे मैंने डाला है एक टेबल स्पून भर के अदरक का, उसमें थोड़ा सा जीरा और प्याज कटे हुए, और इनको बस हल्का सा भून लिया है। अब इसमें नमक, मिर्च, हल्दी वो सब डाल के टमाटर डाल रही हूँ। और ये मेरे पास होते हैं फ्रोज़न वाले करेले, ऐसे ही बाज़ार से मिल जाते हैं पैकेट में कटे हुए, फ्रीज किए हुए होते हैं। इनको माइक्रोवेव में थोड़ा सा डीफ्रॉस्ट कर लिया है। तो ये रहे मेरे टमाटर, थोड़े से एक दो टमाटर डालूंगी और उसके बाद नमक, मिर्च, हल्दी डाल के फिर ये वाले करेले डाल के। और ये क्योंकि जब सब्जी फ्रोज़न होती है ना, तो ये पहले से सॉफ़्ट होती है, काफ़ी ज़्यादा सॉफ़्ट होती है, तो जल्दी बन जाती है। जितनी देर में मेरी रोटी बनेगी उतनी देर में ये सब्जी बन जाएगी और फिर फटाफट से खा लूँगी। क्योंकि जब आप थोड़ा सा ठीक नहीं होते हो तो मुंह का टेस्ट बहुत अजीब सा होता है ना, तो करेले थोड़े कड़वे होते हैं, तो उनसे जो टेस्ट है वो आपका ठीक होता है। तो इसलिए आज मैंने सोचा कि करेले बना के खाती हूँ, देखती हूँ उससे मेरा खाने का मन थोड़ा बेटर होता है कि नहीं होता है, नहीं तो कुछ खाया नहीं जाता। तो आज ये बना रहे हैं। तो सिंपल सी रेसिपी है, मुश्किल से 5 मिनट की भी नहीं होगी ये वीडियो, तो साथ बने रहिए। तो यहाँ मैंने नमक, मिर्च, हल्दी अपने स्वाद अनुसार डाल दी है, जितना मुझे चाहिए थोड़े से मसाले के लिए। और अब इसमें मैं टमाटर डाल देती हूँ। तो पहले दो डाल के देखती हूँ कि उससे कितना मसाला बनता है, और थोड़ा सा इसका टमाटर का जूस भी डाल देती हूँ तो उससे थोड़ा अच्छा हो जाएगा। ये जो टिन टमाटर होते हैं ना, एक तो ये इनके ऊपर छिलका नहीं होता है, और दूसरा ये ऑलरेडी जैसे गले हुए होते हैं तो इनसे मसाला बहुत जल्दी और बहुत अच्छा बनता है। तो इसलिए मैं प्रेफर करती हूँ कि टिन टमाटर यूज़ कर लें, क्योंकि यहाँ पे फ्रेश टमाटर जो हैं वो बहुत मीठे, सिर्फ सैलड में खाने वाले वो होते हैं। तो इसलिए ज़्यादा सब लोग यहाँ पे बाहर की कंट्रीज़ में टिन टमाटर ही यूज़ करते हैं, या जो टमाटो प्यूरी आती है ना वो यूज़ करते हैं। तो देखें ऑलरेडी उसका रंग कितना अच्छा हो गया ना मसाले का। अब बस जब ये टमाटर थोड़े से गल जाएंगे तो इसमें मैं करेले ऐड कर दूंगी, पानी उसमें डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी हमें। तो जी ये हमने करेले डाल दिए हैं, क्योंकि मसाला आप देखिए कितना अच्छा बन चुका है। और इनको अब करेले को सारा मसाले के साथ मिक्स कर देना है, और जब तक मेरा रोटी या पराठा बनेगा, देखती हूँ जो मूड होगा और वो करके उसके बाद मैं इसको ढक के रख दूँगी और ये फटाफट 5 मिनट में बन जाएगी। तो यहाँ हमारा परांठा भी बन रहा है, बहुत बड़ा नहीं बनाया, छोटा सा ही है, और थोड़ा घी लगा लिया है ऊपर। तो यहाँ हो गया हमारा परांठा तैयार। अब करेले उनको भी निकालती हूँ कटोरी में और फिर खाएंगे। सो फ्रेंड्स, देखिए हमारे करेले तैयार हैं। इनको क्या नाम देंगे हम, रस्से वाले करेले, क्योंकि इसमें थोड़ा थोड़ा लिक्विड है, और या इसको बोलें मसाले वाले करेले, एकदम सूखे नहीं है मसाले वाले, तो नाम सजेस्ट करिए और उसके हिसाब से फिर मैं इसका टाइटल कर दूंगी। लेकिन बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, और गरम मसाला डाल दिया है, धनिया नहीं डाला, तो ऐसे ही अच्छा है। तो इसको मैं अब अपनी कटोरी में लेने वाली हूँ और परांठे के साथ खाऊंगी।
बहुत शुक्रिया दोस्तों साथ बने रहने के लिए।